दोस्तों सलाम अलैकुम। ये देखिए आज हम आपको, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ चुका है तो बकरियों को कैसे खाना तैयार करके दे सूखा, तो ये देखिए हमारे हाथ में है, ये ब्लैक साल्ट है, ये ब्लैक साल्ट है, ये देखिए। और ये हमारे पास जो है ये पराली या निवारी का कुट्टी है, तो स्वादानुसार इसमें नमक डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद ये देखिए चने का पीसा हुआ चूर है, आपको इस तरीके से पार्ट बाई पार्ट देना है। और ये देखिए भींगा हुआ ये कुट्टी है, ये देखिए कुट्टी है, भींगा दिया गया है इसको और साफ से धो दिया गया है। और ये चने का दर्रा है, प्योर चने का दर्रा, सिर्फ चना का दर्रा है। और इस तरीके से आपको बढ़िया से मिला लेना है। आप नहीं देखते हैं नीचे में, ये देखिए मिनरल मिक्सचर भी डाला हुआ है। और इसको आपको इस तरीके से सभी को मिला दीजिए, सर्दियों के मौसम में होता है क्या कि अगर आप हरा चारा जो है खिला रहे हैं, जैसे आप नेपियर खिला रहे हैं, बरसिंग खिला रहे हैं, तो उसमें क्या है कि 80% जो है वो पानी की मात्रा रहता है, और पानी की मात्रा बकरियां तो खा लेगी हरा होने के कारण, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा आपकी बकरियों को कि तुरंत जो है निमोनिया पकड़ लेगा और ठंड लग जाएगी, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सर्दियों में आप अपनी बकरियों को ये सूखा खाना दें, और खूब चाव से खाती है, खूब चाव से खाएगी, अभी आप देखेंगे। ये देखिए कितने चाव से, तो इस तरीके से देखिए कितने चाव से, ये देखिए सभी बकरियां पूरे चाव से। और ये देखिए हमारा प्यारा बच्चा है, ये देखिए, ये देखिए, आ जा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बकरियों को हरा चारा के बजाय ठंडी के मौसम में आप सूखा चारा खिला, तो ये है सर्दियों में चारे का खिलाने का तरीका। और ये देखिए हमारा सिरोही का ब्रीडर है, ये देखिए ब्लैक बंगाल का ब्रीडर है, ये क्रॉस का ब्रीडर है, और ये देखिए ये भी ब्रीडर तैयार होने वाला है। बंद करो।